चूरू जिले के सादुलपुर थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या का मामला गरमाता ही जा रहा है। सादुलपुर थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या के प्रकरण में एक दिन के बाद एक नई जानकारी सामने आई। आपको बता दें कि विष्णोई की एडवोकेट गोवर्धन सिंह से एक दिन पहले व्हाट्सएप चैट में बड़ा खुलासा हुआ है। चैट में बिश्नोई बैड पॉलिटिक्स में फंसाने की बात कर रहे हैं। गोवर्धन सिंह ने व्हाट्सएप चैट को सार्वजनिक किया है। इसी के साथ गोवर्धन सिंह ने बिश्नोई को जाबाज अफसर भी बताया। तो वही बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण अब राजनीतिक रंग भी लेता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद राम सिंह और पूर्व विधायक मनोज नेगली सादुलपुर थाने पर धरने पर बैठे और साथ ही में सुसाइड नोट को सार्वजनिक करने की मांग करने लगे। इसी के साथ बसपा और भाजपा के नेताओं ने थानाधिकारी की आत्महत्या पर सवाल उठाए। इसी के साथ में सीबीआई जांच की मांग करते हुए राजनीतिक दबाव का भी आरोप लगाया। तो वही मामला और गर्माता गया। साथ ही में सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मेरी 2-3 बार बिश्नोई से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि बिश्नोई बेहद ईमानदार छवि के और सुलझे हुए अफसर थे। पूनिया ने पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में ये मामला आया और साथ ही में डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई। तो वहीं डीजीपी ने क्राइम ब्रांच को मामले की जांच करने की बात कही। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर के जरिए घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। सीएम अशोक गहलोत ने इस ट्वीट में लिखा कि उनकी राजस्थान पुलिस में सेवाएं उल्लेखनीय रही है। उनकी सेवा तथा कर्तव्य निष्ठा को सदैव याद रखा जाएगा। इस दुख की घड़ी में राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस उनके परिवार के साथ है।